हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं टेक स्क्रू। ये मेरा सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप सिक्योर फोल्डर सेटअप कर सकते हैं, इसके अलावा किस तरीके से आपको सिक्योर फोल्डर यूज़ करना है, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर सेटिंग जो भी सिक्योर फोल्डर से रिलेटेड है वो सब कुछ हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सिक्योर फोल्डर को अगर आपको इनेबल करना है तो आप कंट्रोल सेंटर से कर सकते हैं। कंट्रोल सेंटर में यहाँ पे आपको स्विच मिल जाता है सिक्योर फोल्डर का, इसके ऊपर आप टैप करके सिक्योर फोल्डर को सेटअप कर सकते हैं। या फिर अगर आपको यहाँ पे स्विच नहीं मिलता है तो आप अपने फोन के सेटिंग में आ जाइए। सेटिंग में आपको बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी में जाना है, यहाँ पे आपको सिक्योर फोल्डर देखने के लिए मिल जाएगा। इसके ऊपर टैप करके भी आप सिक्योर फोल्डर को सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको अग्री करना है, उसके बाद ये कैलेंडर, कॉन्टैक्ट, स्टोरेज और फोन का परमिशन लेगा। यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे टैप करना है और आपका सिक्योर फोल्डर जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। कुछ सेकंड्स का आपको वेट करना पड़ेगा। एक बार जब सिक्योर फोल्डर सेटअप हो जाता है ना, तो पर्सनल सेफ्टी का आपको एक टॉगल स्विच देखने के लिए मिलता है, जिसमें आप नोटिफिकेशन को साइलेंट कर सकते हैं जब आप ड्राइव कर रहे हो। तो आप चाहें तो इसको इनेबल कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसको डिसेबल भी छोड़ सकते हैं। आपको यहाँ पे सिंपली जो है ना, यहाँ पे बैक का बटन देखने के लिए मिलता है, इसके ऊपर आप टैप करेंगे और उसके बाद आप सिक्योर फोल्डर में लॉक टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। पैटर्न, पिन, पासवर्ड, आपको तीनों ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा आप सिक्योर फोल्डर को ओपन करने के लिए फिंगरप्रिंट का यूज कर सकते हैं, अगर आप इस टॉगल स्विच को इनेबल रखते हैं तो हम यहाँ पे पैटर्न जो है वो सेट कर लेते हैं। आप किसी भी टाइप का पासवर्ड जो है वो सेट कर सकते हैं। पैटर्न को आपको दो बार एंटर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम दोनों बार एंटर कर देते हैं, कंफर्म पे टैप कर देते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिक्योर फोल्डर जो है वो सेटअप हो गया। यहाँ पे सिक्योर्ड बाय नॉक्स लिखा हुआ है और यहाँ पे नीचे जो है ना सिक्योर फोल्डर का आपको सिंबल देखने के लिए मिल रहा है। सो यहाँ पे आपको डिफॉल्ट सैमसंग का कुछ बेसिक एप्स देखने के लिए मिलता है, जैसे गैलरी है, कैलेंडर है, ब्राउजर है, माई फाइल्स है, नोट्स है, कैमरा है, कॉन्टैक्ट है, और ये सब ऐप जो है बिल्कुल अलग होगा जो आपके फोन में है उनके कंपैरिजन में। जैसे गैलरी अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई फोटो वीडियो यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ब्राउजर ओपन करते हैं तो ये जैसे एक नया ऐप ओपन होता है ना, उसी तरीके से यहाँ पे आपको जो है अग्री करके इसको सेटअप करना पड़ेगा और उसके बाद आप ब्राउजर यूज कर पाएंगे। माई फाइल्स में भी कहीं कोई इमेज नहीं है, सब कुछ जो एकदम क्लीन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। नोट्स में भी कोई नोट्स यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। इसके अलावा पहले जो है ना सिक्योर फोल्डर में एक कंटेंट सजेशन का फीचर देखने के लिए मिलता था, जो अब रिमूव कर दिया गया है और यहाँ पे आपको थ्री डॉट्स मिलता है। थ्री डॉट्स पे अगर आप टैप करेंगे तो सबसे पहला है लॉक एंड एग्जिट, तो अगर आप इसके ऊपर टैप करते हैं तो आप सिक्योर फोल्डर से बाहर निकल जाएंगे। और चूंकि आप जो है ना सिक्योर फोल्डर को सेटअप कर चुके हैं तो सिक्योर फोल्डर जो है ना वो आपको अब ऐप ड्रॉल में दिखेगा, तो इसको आप यहाँ पे टैप करके जो है ओपन कर सकते हैं। और जब भी आप लॉक एंड एग्जिट वाले मेथड से सिक्योर फोल्डर से बाहर निकलते हैं ना, तो आपको जो है पैटर्न के थ्रू ही एंटर करना पड़ेगा या पिन पासवर्ड के थ्रू एंटर करना पड़ेगा। आप फिंगरप्रिंट के थ्रू जो है सिक्योर फोल्डर में एंटर नहीं कर पाएंगे अगर आप इस लॉक एंड एग्जिट बटन की मदद से सिक्योर फोल्डर से बाहर निकलते हैं तो। दूसरा ऑप्शन है ऐड फाइल्स का, जिसकी मदद से आप फोटो, वीडियो, हर एक तरीके का फाइल्स जो है वो ऐड कर सकते हैं और वो हम आपको आगे दिखाएंगे। थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ पे कस्टमाइज का मिलता है। कस्टमाइज पे टैप करके आप सिक्योर फोल्डर का जो आइकन है उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसका नेम जो है सिक्योर फोल्डर, इसको भी आप यहां से रीनेम करके चेंज कर सकते हैं। आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप यहां से इसको एडिट कर सकें। नेक्स्ट यहां पे आपको कस्टमाइज के नीचे सेटिंग देखने के लिए मिलता है। सेटिंग पे अगर आप टैप करेंगे तो ये पूरा सिक्योर फोल्डर का सेटिंग है। सबसे पहला जो है लॉक टाइप, तो इस पे ऊपर टैप करने पे आपको पहले जो है अपना पैटर्न एंटर करना पड़ेगा या पिन पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। और ये जो फर्स्ट स्क्रीन आया था ना पासवर्ड सेट करने वाला, वही वाला पेज आ गया है। इसमें आपको कुछ भी बताने का जरूरत नहीं। आप पिन, पैटर्न, पासवर्ड जो है इन फ्यूचर सिक्योर फोल्डर का अगर चेंज करना चाहे तो आप यहां से कर सकते हैं। बाकी आपको मेक पैटर्न विजिबल का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, तो अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल रखते हैं और यहां पे अगर हम जाते हैं ना, तो यहां पे आप देखेंगे जब हम पैटर्न ड्रॉ करते हैं तो पैटर्न जो है वो विजिबल होता है, एक लाइन जो है वो विजिबल होता है। बट अगर आप चाहते हैं कि वो लाइन विजिबल ना हो तो आप इस ऑप्शन को डिसेबल कर दीजिएगा। अब यहाँ पे पैटर्न जो है वो विजिबल नहीं होगा, तो इस तरीके का आपको ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपको दूसरा सेटिंग मिलता है, ऑटो लॉक सिक्योर फोल्डर। काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इसको हम आपको दिखाते हैं। जैसे अभी हम किस सिक्योर फोल्डर में, सिक्योर फोल्डर से हम बाहर निकले और सिक्योर फोल्डर पर हम टैप किए तो ऑटोमेटिकली सिक्योर फोल्डर खुल गया, ना ही हमको पैटर्न एंटर करना पड़ा और ना ही हमको फिंगरप्रिंट एंटर करना पड़ा। तो आप यहाँ पे सेटिंग में जाइएगा और ये जो थर्ड सेटिंग है ऑटो लॉक सिक्योर फोल्डर का, इसके ऊपर आप टैप कीजिएगा और यहाँ पे डिफॉल्ट सेलेक्टेड रहता है व्हेन स्क्रीन टर्न्स ऑफ, मतलब आप सिक्योर फोल्डर से बाहर निकलिए और अपने फोन के स्क्रीन को जब ऑफ कीजिएगा ना, तभी आपका सिक्योर फोल्डर जो है वो लॉक होगा। और अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही आप सिक्योर फोल्डर से बाहर निकले इंस्टेंटली आपका जो सिक्योर फोल्डर है वो लॉक हो जाए, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन ईच टाइम आई लीव एन ऐप को सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे ही आप सिक्योर फोल्डर से बाहर निकलेंगे दोबारा आप एंटर करना चाहेंगे, आपको जो है अपना फिंगरप्रिंट एंटर करना पड़ेगा या फिर पैटर्न एंटर करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो सिक्योर फोल्डर का सेटिंग है नोटिफिकेशन एंड डेटा, तो इसके ऊपर हम टैप करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन है शो कंटेंट का, तो अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो सिक्योर फोल्डर में जो एप्स है उनके नोटिफिकेशन में आप कॉन्टेंट्स को जो है वो देख सकते हैं, अगर आप डिसेबल रखते हैं तो आप नहीं देख पाएंगे। नेक्स्ट जो यहाँ पे सेटिंग है शो कॉन्टेक्ट इन्फो का, तो अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं तो वैसा एप्स जो सिक्योर फोल्डर के बाहर है वो सिक्योर फोल्डर के अंदर जो कॉन्टेक्ट
सेव है उनको एक्सेस कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे अलाउ क्लिपबोर्ड है, तो अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो आप सिक्योर फोल्डर के अंदर के डेटा को कॉपी करके सिक्योर फोल्डर के बाहर उसको पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद बैक चले जाते हैं और यहाँ पे है एड सिक्योर फोल्डर टू ऐप स्क्रीन। तो अगर आप इस ऑप्शन को डिसेबल कर देते हैं और यहाँ पे हाइड पे टैप कर देते हैं, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सिक्योर फोल्डर है ये गायब हो चुका है। तो अब यहाँ पे सिक्योर फोल्डर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब आपको सिक्योर फोल्डर अगर यूज़ करना है तो कंट्रोल सेंटर में यहाँ पे आपको स्विच मिलता है, इसको टैप करके जो है आप सिक्योर फोल्डर को इनेबल करेंगे और इनेबल करने के बाद वापस यहाँ पे सिक्योर फोल्डर आ गया। और अब टैप करके जो है आप फिंगरप्रिंट एंटर करके सिक्योर फोल्डर को यूज़ कर सकते हैं। ऐड सिक्योर फोल्डर टू ऐप स्क्रीन जो है इसको इनेबल रखिएगा तो ही आपको ये ऐप ड्रॉअर में दिखेगा, डिसेबल रख दीजिएगा तो ये हाइड हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे नीचे में कुछ और सेटिंग्स है जो हमको उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा। एक इंपॉर्टेंट है, अगर आपको सिक्योर फोल्डर को रीसेट कर देना है तो यहाँ पे आप मोर सेटिंग में आ जाइएगा, अनइंस्टॉल पे टैप कीजिएगा, इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। उसके बाद आपका जो सिक्योर फोल्डर है वो एकदम रीसेट हो जाएगा और जैसे हम वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाए थे उसके बाद फिर से आपको इसको सेटअप करना पड़ेगा। तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अब जो मेन ऑप्शन है वो है ऐड फाइल्स का। ऐड फाइल्स पे टैप करेंगे तो इस तरीके का एक पॉपअप खुल जाएगा जिसमें आप इमेज, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट और माई फाइल्स सिक्योर फोल्डर के बाहर से सिक्योर फोल्डर में पेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम इमेज पे टैप करते हैं तो जो गैलरी है ना हमारा मेन गैलरी वो यहां पे शो करने लगेगा। अब यहां पे हम टैप किए, कुछ इमेज जो है हम यहां पे सेलेक्ट कर लिए, चार इमेज, और यहां पे हम डन कर दिए तो आपको यहां पे ऑप्शन मिल जाएगा कि आप सिक्योर फोल्डर में इसको मूव करना चाहते हैं या फिर कॉपी करना चाहते हैं। कॉपी मतलब सिक्योर फोल्डर में भी रहेगा और बाहर भी रहेगा, मूव कर देंगे तो सिर्फ सिक्योर फोल्डर में ही वो फोटोज रहेगा। तो यहां पे हम मूव कर देते हैं और अब आप यहां पे देखेंगे कि मूव का एक नोटिफिकेशन जो आ गया, फोर फाइल मूव्स यहां पे लिखा हुआ आ गया। अब यहां पे अगर हम गैलरी ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो फोर इमेज जो है यहां पे शो कर रहा है और ये भी एक नॉर्मल गैलरी ही है। इसी तरीके से आप हर एक ऐप को यूज कर सकते हैं। माई फाइल्स भी अब टैप करेंगे तो यहां पे भी इमेज सेक्शन में चार इमेज जो है शो कर रहा है। इसके अलावा अगर आप सिक्योर फोल्डर में कैमरा को ओपन करते हैं तो वो सारा फीचर आप एक्सेस कर सकते हैं जो नॉर्मल कैमरा में आप एक्सेस कर सकते हैं, बट यहां से जो आप पिक्चर्स क्लिक करेंगे वो आपके सेफ फोल्डर के गैलरी में ही दिखेगा। नोट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा सिक्योर फोल्डर जो है ना एक तरीके का फोन के अंदर एक और सिक्योर फोन है। पहले क्या था कि सिक्योर फोल्डर में आप सिर्फ उन्हीं ऐप्स को रख सकते थे जो सिक्योर फोल्डर के बाहर था, बट अब ऐसा नहीं है। आप गैलेक्सी स्टोर से, प्ले स्टोर से ऐप्स को डाउनलोड करके सिक्योर फोल्डर में रख सकते हैं और वो आपके फोन में, मतलब सिक्योर फोल्डर के बाहर वो ऐप्स नहीं रहेगा, सिर्फ सिक्योर फोल्डर में रहेगा। तो यहाँ पे आप प्लस के आइकन पे टैप करेंगे, आपको ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड फ्रॉम प्ले स्टोर, डाउनलोड फ्रॉम गैलेक्सी स्टोर। इसके अलावा जितना भी ऐप्स आपके फोन में है उन सबको भी आप सिक्योर फोल्डर में ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का ये मतलब नहीं होता है कि वो मूव हो जाएगा सिक्योर फोल्डर में, वो ऐप आपके सिक्योर फोल्डर के बाहर भी रहेगा और सिक्योर फोल्डर के अंदर भी रहेगा। जैसे यहाँ पे हम व्हाट्सएप को सेलेक्ट कर लेते हैं, टेलीग्राम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हम कुछ और ऐप्स जो है उनको भी सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे सबसे नीचे जो है ना ऐप्स हिडन इन सिक्योर फोल्डर है। तो अगर आपको गूगल क्रोम, मैप्स या ऑफिस को ऐड करना है सिक्योर फोल्डर में तो इनको ऊपर भी आपको टैप करके जो है ना सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे ऐड पे आप टैप करके जो है इनको ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हिडन वाला था वो पहले आ गया, बाकी जो है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और यहाँ पे टेलीग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप, यूट्यूब, सारा ऐप्स जो है वो सिक्योर फोल्डर में आ चुका है। अब ये सब जो ऐप्स होता है ना एकदम फ्रेश ऐप है। आप नया अकाउंट जो है अपने व्हाट्सएप पे यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, टेलीग्राम भी जो है एकदम फ्रेश है, यहाँ पे आप नया अकाउंट जो है वो सेटअप कर सकते हैं, नया ट्विटर अकाउंट जो है आप सिक्योर फोल्डर में रन कर सकते हैं। बट अगर आप कोई ऐसा ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं सिक्योर फोल्डर में जो आपके सिक्योर फोल्डर के बाहर, मतलब आपके फोन में नहीं है, तो आपको प्लस के आइकन पर टैप करना होगा। आप दोनों में से किसी भी एक प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं, बट ये दोनों ही प्लेटफॉर्म जो है ना एक तरीके से हम जैसे आपको बताया ना कि एकदम फ्रेश न्यू फोन है, तो आपको दोनों ही गैलेक्सी स्टोर को भी फर्स्ट टाइम सेटअप करना होगा और प्ले स्टोर को भी। जैसे गैलेक्सी स्टोर अगर हम ओपन करते हैं तो एकदम आपको वो वाला स्क्रीन, एग्री करने वाला जो स्क्रीन आता है वो आ जाएगा, मतलब जो न्यू गैलेक्सी स्टोर में जो स्क्रीन आता है वो आ जाएगा। आपको यहाँ पे एग्री करना होगा और उसके बाद आप गैलेक्सी स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप प्ले स्टोर पे टैप करते हैं तो यहाँ पे आपको प्ले स्टोर को साइन इन करना पड़ेगा गूगल अकाउंट से, और ये गूगल अकाउंट जो है जिससे आपका फोन चल रहा है वो गूगल अकाउंट होना जरूरी नहीं है, आप उस गूगल अकाउंट से भी साइन इन कर सकते हैं। अगर आप कोई नए गूगल अकाउंट से सिक्योर फोल्डर में साइन इन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और इसीलिए हम बोले कि सिक्योर फोल्डर जो है आपके फोन के अंदर एक और फोन है, मतलब एक नया गूगल अकाउंट जो है उससे आप साइन इन करेंगे और उसके बाद आप प्ले स्टोर से किसी भी ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आपको बता दें कि जैसे हम सिक्योर फोल्डर में जो है ना व्हाट्सएप रखे हैं, टेलीग्राम रखे हैं, ट्विटर रखे हैं, यूट्यूब रखे हैं, अगर हम चाहें कि हम अपना जो मेन ऐप ड्रॉअर है वहां से उनको अनइंस्टॉल कर दे तो क्या वो सिक्योर फोल्डर में रहेगा? तो बिल्कुल रहेगा। देखिए हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे हम यहाँ पे अगर हम अपने व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर देते हैं, ओके कर देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे टेलीग्राम को भी अनइंस्टॉल कर देते हैं, ओके कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा टेलीग्राम भी जो है वो अनइंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे अगर हम वापस से सिक्योर फोल्डर में चलते हैं और ओपन करते हैं इसको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा व्हाट्सएप और टेलीग्राम है और इसको जो है हम यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। कल के वीडियो में हम आपको बताए थे S20 FE 5G में एक थर्ड पार्टी ऐप लॉक और उससे डेफिनेटली ऊपर
हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप इस सिक्योर फोल्डर को यूज कीजिए, ना कि उस ऐप लॉक को यूज कीजिए। इसके अलावा आप सिक्योर फोल्डर के लिए एक शॉर्टकट भी सेटअप कर सकते हैं। जस्ट पावर बटन को डबल टाइम टैप करके जो है ना, आप सिक्योर फोल्डर को इनेबल कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको सेटिंग में आना होगा, एडवांस फीचर में जाना होगा, एडवांस फीचर में आपको साइड की सेटिंग में जाना होगा, और यहाँ पे डबल प्रेस में जो है ना, आपको ओपन ऐप को सेलेक्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आइएगा, यहाँ से आपको जो है ना सिक्योर फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे हम फोन पे कहीं पे भी रहें, किसी भी स्क्रीन में रहें, जस्ट डबल टाइम अगर हम पावर बटन को प्रेस करते हैं ना, तो हम सिक्योर फोल्डर को फिंगरप्रिंट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यही सब कुछ बेसिक सेटिंग्स था। बाकी सिक्योर फोल्डर को लेकर आपका कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक लिमिट में कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद। S20 FE 5G से रिलेटेड काफी सारा अच्छा अच्छा कॉन्टेंट आने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।